हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हम कैसे एक सर्च बार अपना बना सकते हैं सो दैट कि जब भी हमें किसी को सर्च करना पड़े तो हम उसे इंस्टेंटली और क्विकली कर सके। बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एम एस एक्सेल की शीट पर चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यही नाम सारे यहाँ पे रिपीट हैं। ये भी 100 है और ये भी 100 ही है। अगर आप इनका काउंट करेंगे तो आपको ये भी 100 ही मिलेंगे, जैसा कि आप काउंट पे नीचे देख सकते हैं। अब जो नाम मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि नाम रिपीट हो रहे हैं पर सरनेम अलग अलग है, राइट। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई अमित नाम के जितने भी लड़के हैं उन सबको हमें अलग से सेपरेट करके दिखा दो, तो आप फिल्टर यूज़ करेंगे या सॉर्ट यूज़ करेंगे, राइट। पर हमारे पास जब अपना सर्च होगा तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चलिए अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं, जिसके लिए सिंपली इनमें से कोई एक नाम ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ विजय, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जब विजय लिखूँगा, विजय, तो आप देखेंगे विजय नाम के सारे लोग, सारे एम्प्लॉय मेरे सामने आ चुके हैं। अगर मैं कोई और नाम लिख लेता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे देखते हैं रीटा, जैसे हमें यहाँ रीटा शो हो रही है, हम रीटा लिख के देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे बिल्कुल जितने भी रीटा नाम की लड़कियाँ हमारे पास होंगी वो सब यहाँ पर आ चुकी हैं। या कोई और नाम जस्ट लाइक सीता, तो हम सीता को अगर सर्च करें तो सीता मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये सर्च बॉक्स मैंने अपना कैसे बनाया है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जिसके लिए सिंपली आपने क्या काम करना है, ये सेम वही डेटा है जो यहाँ पे है, जैसा आप देख पा रहे हैं। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, अभी के लिए सपोज 4 रख लेते हैं, और एक रो भी इंसर्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च, इसको मर्ज करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ सर्च सर्च, ओके। फॉन्ट इसको यही दे देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हमें सिर्फ सी की ज़रूरत है। सी को थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ, और दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। हम इसे कंपेयर करेंगे तो दोनों सिमिलर होंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 कॉलम है और उसके बाद डेटा है, यहाँ पे भी 3 कॉलम है और उसके बाद डेटा है। अब सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स लाने के लिए, सर्च बॉक्स लाने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे, डेवलपर टैब से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट से हमें टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे ड्रॉ कुछ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद इसी के ऊपर हम अपने माउस के प्राइमरी बटन से क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें लिंकड सेल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो लिंकड सेल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इस सेल की रेफरेंस देंगे जो कि C1 रहेगी, राइट। क्योंकि ये सेल C1 ही है ना जहाँ पर मैंने बॉक्स डाला है। दैट्स इट, इसको डिज़ाइन मोड से हटा देते हैं और उसको कर देते हैं क्लोज। हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए फिल्टर, फिल्टर टैब को हिट करेंगे, एरे हमारा ये रहेगा, प्रॉपर नीचे तक ले लेंगे, एरे हमारा ये रहेगा, कॉमा का यूज़ करेंगे। अब हमसे पूछा था इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो होगा इज नंबर। टैब को हिट करते हैं कि इस नंबर को टैप करने के बाद वैल्यू पूछते हैं, वैल्यू में हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पर हम दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए सर्च। टैब को हिट करेंगे, फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, राइट। अभी हमें बोलता है कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, हमें ये टेक्स्ट फाइंड करना है जो इसमें लिखा होगा, तो वहाँ पे हम दे देंगे रेफरेंस उसी सेल की जो हमने लिंक्ड सेल में दी थी, यानी कि C1 कॉमा विद इन टेक्स्ट, किस में से, इन नेम्स में से, है ना। तो इस नेम्स को बॉटम तक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, हम इसको कर देते हैं क्लोज, फिर से कर देते हैं क्लोज और इसको कॉमा देते हैं। अब कहता है इफ़ एम्प्टी, अगर आप, ये कौन पूछ रहा है मुझसे, ये फिल्टर का लास्ट क्राइटेरिया में भर रहा हूँ। फिल्टर कहता है कि एरे दे दिया, इंक्लूड दे दिया, अगर आपकी वैल्यू नहीं मिली, अगर वो एम्प्टी हुई तो क्या करेंगे, अगर वो एम्प्टी हुई तो हम उसको कोट्स में लिखेंगे प्लीज़ चेक, ठीक है, प्लीज़ चेक, कोट्स को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे सेम नेम मुझे यहाँ पर भी मिल रहे हैं जो कि मुझे वहाँ मिल रहे थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पर अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देता हूँ, जस्ट लाइक अनीता,
तो आप देखेंगे सिर्फ अनीता नाम की लड़की यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम डाल देता हूँ जस्ट लाइक रवि, जैसे यहाँ पे दिख रहा हमें, तो यहाँ पे हमें क्या रवि मिलेगा? एग्जैक्टली हमें मिलेगा। तो आई होप आप सीख गए होंगे आप अपना सर्च बॉक्स कैसे बना सकते हैं MS Excel में, सो दैट कि आपका काम आपके लिए और भी ईजी हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।